तो हे दोस्तों, वेलकम टू होली व्लॉग। तो मैं तो होलिका दहन में नहीं गई थी, आप सबको पता ही है, मैं ऊपर से बैठ के देख रही थी। हाँ, पार्थू और अनूप जरूर गए थे। तो ये रहा पार्थू, और अनूप मेरे लिए थोड़ा सा शूट करके लेके आए। तो यहाँ पे लोगों ने पूजा करी। मैंने आज तक होलिका दहन में पूजा नहीं करी है दोस्तों, और मुझे पता भी नहीं कि कैसे की जाती है। हैप्पी होली मेरे सारे सखी और सखा को, हैप्पी होली मेरे गर्ल्स को, हैप्पी होली मेरे छोटे बड़े भाई को, हैप्पी होली आपको, होली मुबारक है। ये जो आप टेबल पे वो देख रहे हैं ना, वो फाउंटेन है। अच्छा, उसमें से पानी निकलेगा, उसके बाद रेन डांस होगा। ये डीजे है। कहाँ डीजे? अच्छा, इसके अंदर डीजे है पर तू? ओह माय गॉड, ये रेन डांस के लिए प्रिपरेशन हुई है। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बात सच है कि त्योहारों में परिवार बहुत याद आता है। अकेले त्यौहार मनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो सच में त्यौहार सिर्फ पार्थू के लिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके पास थे, और मैं अपने मम्मी पापा को कलर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आज सुबह जल्दी उठ गई थी, नहा धो के पूजा किया, सबसे पहले भगवान जी लोगों को सबको कलर लगाया, और देखा कि हमारे सारे भगवान जी को अभी वापिस से चमकाने का टाइम आ गया है। ये लो बाबा, साईं बाबा के दर्शन कर लो, शिरडी से आके शायद मैंने आप सबको इनके दर्शन ही नहीं कराए थे, है ना। सुबह से ही पार्थू ने हल्ला मचा रखा था, मम्मा मैं नीचे जाऊं, मम्मा मैं नीचे जाऊं। मैंने बोला, अरे हमें रंग तो लगाने दे, एक दूसरे के संग थोड़ा सा रंग तो खेल ले। लेकिन शायद बच्चों को अभी इतना नहीं लगता है पेरेंट्स के संग, उनके लिए दोस्त ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बस उसको जल्दी हो रही थी, तो फटाफट से फिर हमने नाश्ता बनाया। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, नीचे से आने वाली बहुत ज्यादा आवाज, और आज मेरा गला काफी ठीक है, मैंने गरारे किए थे जैसे आप सबने लिखे। तो बस आज करते हैं होली की तैयारी, और पूजा कर लिए, मैं नहा धो चुकी हूँ, ये दोनों नहीं नहाएंगे क्योंकि नीचे हो रहा है रेन डांस, ये दोनों तो वहां जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने, और ससुराल मायके दोनों जगह फोन कर लिया, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई गुजरात है कोई पुष्कर है। तो अभी हमने रंग नहीं लगाया, एक दूसरे को भी लगाएंगे, तो इसलिए चलो भाई पहले पकोड़े बनाते हैं, उसके बाद रंगों का कार्यक्रम। तो होली हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों दोस्तों। तो थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, और अजवाइन, नमक, हल्दी, मिर्च बना के मिला के सबको आज बनाऊंगी आलू प्याज पनीर के पकोड़े। आलू प्याज और पनीर, इनमें से कौन से पकोड़े आपके फेवरेट हैं? मेरे बताऊं, आलू के। और पनीर के पकोड़े फेवरेट हैं अनूप के। अनूप को तो पनीर कैसे भी खिला दो, अनूप के सबसे फेवरेट सब्जी पनीर ही है। होली आएगी, होली आएगी, और होली आके चली भी गई। तो आप सबका त्यौहार कैसे मना? मैं यहाँ पकौड़ी बना रही हूँ, लेकिन नीचे इतना तेज़ डीजे चल रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। अलग अलग गाने, उस पे थिरकते लोग, और पानी की बौछारों में नाचते हुए लोग, मज़ा ही आ गया था देख के। सच में गई नहीं, लेकिन देख के आनंद पूरा उठाया। यहाँ अनूप मेरी मदद कर रहे हैं, अकेले नहीं हूँ, चटनी बना रहे हैं। पहले कह रहे थे मीठी चटनी से खा लूँगा, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमने अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं कि औरतें अकेली किचन में त्यौहार के दिन पकवान बनाएं। सभी आदमी मिलके काम करते हैं, चलो लग जाओ चटनी बनाओ। तो बस दोनों साथ में चटनी बना रहे हैं, और यहाँ देखो पार्थू को आज पता नहीं इतना खुश है कि पता नहीं क्या ही मिल गया। देखो डांस, देखो अजीब अलबेला सा डांस करता है। तो मैंने बोला तू बस जल्दी से खा और जा, तभी तेरे को चैन पड़ेगा। तो बस यहाँ पहले पकोड़े भगवान जी को चढ़ाए, फिर उसको दूंगी। तो आलू के बन गए, इसके बाद प्याज के बनाते हैं।
तो भाई पार्थू ने पकोड़े खा लिए, हमसे रंग लगवा लिए और ये रहा हरा रंग का पार्थू। अभी तो हरा दिख रहा है, जब वापस आएगा तो काला पीला नीला सब हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे गाने चल रहे हैं, रेन डांस हो रहा है, टैंकर के टैंकर खाली हो गए थे। मैं तो बस यहाँ बालकनी से बैठ के गानों का मज़ा ले रही थी और लोगों को देख रही थी कि लोग जब एक साथ होते हैं तो कितना थिरकते हैं, मतलब फिर क्या स्टेप और क्या कुछ, उससे क्या ही मतलब है। इस पानी के कीचड़ में लोगों ने एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पूरा लोट पोट किया है। और ये रहा पार्थू, यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ी और गुजिया बगल में पड़ोसियों के लिए। कुछ जवान बच्चे हैं, घर से दूर यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो सोचा उन्हें भी दे आती हूँ, घर की याद तो आती ही होगी। और बस लास्ट में उनको दे के आई तो यहाँ पे देखा कि अब तो और भी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। अनुप पार्थू को लेके दूसरी सोसाइटी जा चुके हैं। आकांक्षा का फ़ोन आया था, दीदी आ जाओ। मैंने बोला नहीं, मेरी नाक बंद है बेटा और गला अभी भी फिर से बैठ गया है तो मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैंने और अनुप ने बस इतनी सी होली खेली, उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें हल्का हल्का सा रंग लगाकर शगुन कर दिया। सच में इस बार होली पहले जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए और अपने लिए इतनी भी बहुत है। तो हैप्पी होली दोस्तों वंस अगेन। और आज ज्यादा शूट नहीं करूंगी क्योंकि आज तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, इतना साउंड आ रहा है बाहर से, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब नहा रहे धो रहे हैं और फोन वगैरह सबको कर लिया है, घर में सबसे बात हो चुकी है गाइस। तो होप आप लोगों की होली भी बहुत अच्छी हो आज की, और अभी तो शुरू ही हुई है होली, बट मैंने सोचा आज छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगी क्योंकि दिन में आज खाना बनाना नहीं है, आज तो त्यौहार है तो सब इन्जॉय करेंगे। मैं ऊपर ही हूँ आज क्योंकि बड़ी मुश्किल से गला ठीक हुआ है, तो मैं आज ऊपर ही रहूँगी और अकेले मज़ा भी नहीं आता गाइस खेलने का, यहाँ पे मैं इतना जानती नहीं हूँ किसी को भी। अनुप गए हैं पार्थू के साथ होली खेलने के लिए नीचे, और आप सब लोगों ने कैसी होली खेली मुझे जरूर जरूर बताना कमेंट करके। तो चलो गाइस, मेरे को अनुप लगा के गए सफ़ेद सा रंग, तो मिलते हैं कल नई दिनचर्या के साथ, तब तक लबो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी होली वंस अगेन। अरे क्या हुआ था आपको, उल्टी जैसे क्यों कर रहे थे आप? ओहो तभी आप ऐसे कर रहे थे, ठीक है ठीक है। पहले छोटे महाराज खाएंगे। अच्छा क्यों छोटे खाएंगे? बड़े महाराज जी नहीं, मम्मी और मेरा सेम नहीं है। उसके बाद अच्छा मीडियम महाराज खाएंगे, उसके बाद क्या? ऑलरेडी खा चुका है ना पहले? नहीं खाया।